नमस्कार, एनबीएससी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। राजस्थान के अजमेर जिले में एक बार खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिससे राजस्थान पुलिस पर फिर से उंगली उठ रही है। इस बार एक महिला ने अजमेर में तैनात कांस्टेबल पर रेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि इस दौरान वो दो बार गर्भवती हुई तो गर्भपात भी करवाया। शादी का नाम लेते ही वह पिटाई करने लगता था। महिला ने परेशान होकर पुलिसकर्मी पर देश शोषण का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत सिविल लाइन्स थाने में की है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला की दोस्ती कुछ महीने पहले ही अजमेर पुलिस में तैनात कांस्टेबल रिंकू के साथ हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों की फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। इस दौरान दोनों की बातचीत होने लगी तो कांस्टेबल ने उसे अपने पास अजमेर बुला लिया। इसके बाद 7 महीने से दोनों लिव इन में रह रहे थे। कांस्टेबल ने शादी का झांसा देकर इसके साथ 2 बार रेप भी किया और 2 बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, लेकिन कांस्टेबल रिंकू को पता चलते ही उसने महिला का गर्भपात करवा दिया। कुछ दिनों पहले जब उसने शादी के लिए कहा तो कांस्टेबल रिंकू ने उसके साथ मारपीट किया और साथ ही धमकाया कि इस बारे में किसी को बताया तो फोटो वीडियो वायरल कर दूंगा। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी शमशेर खान ने बताया कि पीड़िता ने कांस्टेबल पर रेप का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के बाद मामले दर्ज होने के बाद जांच की जा रही है। वही बताया जा रहा है कि मामला सामने आने के बाद एसपी ने कांस्टेबल रिंकू को लाइन हासिल भी कर दी है।